आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक हमने इनपुट मैपिंग का लिया और दूसरा आउट के लिए, तो ये एक्सटर्नल का जो एड्रेस जो रहता है, एक्सटर्नल यहाँ पे एड्रेस जो है यानी कि फील्ड में हमारा सीक्वेंस में, मान लीजिए कि हमारा पैनल के ऊपर जो लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे इमरजेंसी है, सबसे पहले लेफ्ट से सबसे पहले हमारा स्विच कौन सा है, इमरजेंसी का स्विच है। इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, इमरजेंसी स्विच। ओके, अब उसके बाद जो है हमारा सेकेंड पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, ऑटो मैनुअल का अगला सिलेक्टर स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन तो दो रहता है ना एक्चुअली, तो एक मैं लिखूंगा ऑटो मोड और दूसरा कि ऑटो मोड, लेकिन क्या लिखना होगा, सिलेक्टर स्विच, ऑटो मोड एस सिलेक्टर स्विच। ठीक है, और दूसरा जो है मेरा यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे हमारा, कंट्रोल सी, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल वी किया, ऑटो की जगह यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, मैनुअल। ठीक है, अब उसके बाद जनरली क्या रहता है, मेन पैनल के ऊपर एक एक स्विच आपका रहता है साइकिल आपका स्टार्ट का, यानी कि साइकिल कौन सा, ऑटो स्टार्ट, साइकिल ऑटो स्टार्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में जो हमारे पैनल पे जो है उसी सीक्वेंस में हमें टाइप करना है, एक भी इधर उधर टाइप करने का हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो साइकिल ऑटो को हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टार्ट कर लिया तो हमें क्या करना है, स्टॉप भी करना है। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट आ गया पैनल पे, तो पैनल पे अगर फॉल्ट आता है तो फॉल्ट को हमें क्या करना है, कोई भी फॉल्ट देखता है पैनल पे जा करके तो उसको फॉल्ट को एक्नॉलेज करता है, यस या नो। यस ठीक है, अब उसके बाद फॉल्ट है तो उसको क्या करेगा, जा करके रिसेट करेगा, पहले एक्नॉलेज करेगा ताकि हूटर जो ऑन है वो हूटर ऑन क्या हो जाए, मेरा ऑफ हो जाए, उसके बाद वो रिसेट बटन को यूज करने वाला है, राइट। तो ये मेरा यस इनपुट का हो गया। अब ये जितना भी है, ठीक है, इन सब का हमारा क्या रहेगा, पैनल के ऊपर इंडिकेटर भी रहेगा, यस एंड नो। यस सर तो इसका मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं आउटपुट ग्रुप में यूज कर लेता हूं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कंट्रोल वी मैंने किया, तो यहाँ पे सब में मेरे को क्या लगाना होगा, यहाँ पे लैम्प, LAMP लैम्प, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और जो ये आपका वन जो आ गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी के जगह पे मैं रिप्लेस करके बस अंडरस्कोर लगाते हुए कंट्रोल वी में करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा एरिया ले लेता हूँ ताकि क्लियर हमें पिक्चर दिखे। ठीक है, तो कंट्रोल वी मेरे को केवल क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी करते जाना है। एक टेबल हमारे पास में इनपुट का है, दूसरा टेबल हमारे पास में क्या है, आउटपुट का है, बता और ये फील्ड के अकॉर्डिंग है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती है, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इंजीनियर हमें देता है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसमें आपका, अब ये सारे का सारे कि किस जोन में जाएगा, आउटपुट में जाएगा ना, Q0.0 के एड्रेस होगा ना इसका, तो Q0.0 को मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहां तक मैं यूज कर लेता हूँ, पहले वाले लॉजिक में कुछ टैग यूज्ड है इसलिए यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, ऑरेंज कलर बन के आ रहा है, तो मैं डिफॉल्ट टैग टेबल में जाकर के मैं सबको, डिफॉल्ट वाले टैग टेबल में सबको जाकर के मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कुछ टैग मेरा लॉजिक तो हमने डिलीट कर दिया था लेकिन टैग मेरा एज इट इज था, राइट। अब मैं इनपुट पे गया, इनपुट को भी हम लोग एक सिक्वेंस में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जीरो से हमें स्टार्ट करना है, तो I0.0 से लेकर के इसको भी एक सीक्वेंस में ले लेते हैं, इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, ठीक है, तो ये मेरा इनपुट का क्या हो गया, ये लिस्ट मेरा आ गया, फिर ये आउट में क्या है मेरा, ये मेरा। ओके, कोई दिक्कत अभी तक, अभी तक ओके है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ आवाज आ रही है ना मेरी। सर यस ठीक है, तो ये मेरे एक्सटर्नल का केवल क्लियर हुआ, ये मेरा कौन सा क्लियर हुआ, मेरा एक्सटर्नल का। अब ये जो है
हमारे एक्सटर्नल का आई का एड्रेस है या क्यू का एड्रेस है, ये एड्रेस अगर हम लोग लेते हैं तो बार बार हमें I0.0 के एड्रेस को इन फ्यूचर कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आया तो चेंज करने में लॉजिक एक एक बिट चेंज करना होगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इनपुट मैपिंग करना है। यानी कि I0.0 अगर मेरा काम नहीं कर रहा है, उसको हमने स्पेयर किसी इनपुट से हमने चेंज किया, यानी कि स्पेयर अगर मेरा ये है, कौन सा है, ये मेरा स्पेयर इनपुट है, तो इन फ्यूचर अगर I0.0 को स्वेप मेरे को I0.7 पे करना है, क्योंकि I0.0 का टर्मिनल मेरा खराब हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहेंगे, I0.0 को अगर DB में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो जो DB में उसका नाम चेंज करके यूज किया गया है, उसी से मेरा क्या रहेगा, मेरा पूरा लॉजिक बनेगा। कहने का सेंस क्या है कि मेरा नाम जो भी है एक्स वाई जेड, अगर मैं आज से नाम मैं अपना चेंज करता हूं, तो वही चेंज नेम क्या होगा, हर जगह अप्लाई होगा ना। लेकिन पहले का प्राइमरी नेम क्या है, वो तो जो फील्ड का नेम है वो तो वही रहने वाला है, जो ओरिजिन है वही रहने वाला है। तो यहां भी क्या है कि हम लोग जो है इसको कैसे मैपिंग करें, तो इसका दो तरीका है, या तो DB पे डायरेक्टली में टाइप करो, तो वहां पे दिक्कत क्या है, अगर एक पैनल है तो ठीक है, अगर मेरे पास 50 पैनल है तो मेरे को बार बार टाइप करना पड़ेगा ना DB वाले एड्रेस में जाके। इस DB के बात कर रहा हूं मैं, इस DB में जा करके ये सारा एड्रेस तो मेरे को देना होगा, ठीक है। तो ये जो है DB पे जा करके मैं एक एक को क्या मैं टाइप करूं, ये पूरा का पूरा फिर से मैं नहीं चाहता, मैं स्मार्ट मेथड यूज करना चाहता हूं। ये टाइपिंग से बचने का मेथड है, जिसको यूडीटी बोलते हैं, यूजर डिफाइंड टैग बोलते हैं, उस मेथड को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो उसको मेथड को यूज करें हम लोग, रेडी। ये पूरा कॉपी जो है, और पैनल कितना है मेरे पास, 50। तो यहाँ पे नेम मेरा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एड न्यू मैं बना रहा हूँ, एक एड न्यू टेबल। पैनल कितना है मेरे पास में, जो भी हो वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ तो मेरा ही आ गया, राइट। किसका आया भाई, ये किसका है, इनपुट का है, ठीक है। ये मेरा इनपुट का है, इनपुट इसका नाम लिख देते हैं, इनपुट लिस्ट, ठीक है। एक और हम यस लोग लेंगे, जिसका नाम में क्या लिख दूंगा, आउटपुट लिस्ट, आउटपुट यहाँ पे अंडरस्कोर क्या, LIST लिस्ट। तो मेरे एक इनपुट लिस्ट हो गया, मेरे दूसरा क्या हो गया, आउटपुट लिस्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट लिस्ट में जा करके हम लोग इसको क्या करने वाले, फिर से मैं क्या करूंगा, इन सबको कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे यूडीटी वाला ये जो एरिया जो है, इधर जा करके मैं क्या करने वाला, पेस्ट करने वाला। तो अभी तक मेरा ये एरिया में सेम कॉपी पेस्ट हुआ, लेकिन ओनली वन टाइम। ये इनपुट लिस्ट और आउटपुट लिस्ट क्या है मेरा, ओनली वन टाइम कॉपी पेस्ट हुआ, ध्यान रखना है। यहां तक स्टेटमेंट क्लियर है, लेकिन मेरे फील्ड में ये इनपुट का लिस्ट जो है, ये कंट्रोल सी जो है, मेरा एक बार नहीं होगा, कितने बार होगा, मेरा अगर 50 पैनल है तो 50 बार होगा ना, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको मेरे को यहाँ पे 50 बार करना होगा, ये ब्रैकेट को नंबर पैनल समझ जाना है टोटल 5 ही ले लो सर, ना, 5 ही ले लो टोटल। ठीक है, मैं 5 ही लेता हूँ, चलेगा ना, हाँ चलेगा। ठीक है। तो ये आपका मैं 5 यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये ब्रैकेट में 1 आया है ना, इसी को मैं स्टार्टिंग मान लेता हूँ, और ये स्टार्टिंग वाला डिलीट मार देता हूँ, ताकि छह ब्रैकेट को हो हम गए लोग इजिली इजिली क्या समझेंगे हम लोग, ये मेरा 1 से है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्या वो कंट्रोल जेड नहीं हो रहा है, कंट्रोल जेड,
डिलीट एक कर दो अभी एक्स्ट्रा सर, क्या? स्पेयर और स्पेयर तक डिलीट कर दो, फिर से एक ड्रैग एंड ड्रॉप ये कर देंगे, एड्रेस को चेंज करेंगे इधर जीरो नहीं, से। एड्रेस तो चेंज हो जाएगा, मेरा इमरजेंसी डिलीट हो गया है ना यहाँ पे। हाँ कर दो, यहाँ है ना, हाँ नीचे है ऑलरेडी, नीचे ठीक है, कर मैं नीचे। इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके लेकर के आने की कोशिश कर रहा था, वो आ नहीं रहा था वो। कॉपी पेस्ट तो यहाँ तो चलेगा, इधर 8 नंबर पे है ना, इमरजेंसी स्विच 2 हाँ आई टू ये, तो वन इसको ब्रैकेट में वन ले लिया, ठीक है ना? वन क्यों नहीं ले रही, कहीं ना कहीं है उसके पास। ठीक है, उसका नीचे। नंबर देखते हैं, एड्रेस को I 0.0 से लेकर के हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना? तो मेरा फील्ड में क्या होगा, इनपुट जितना टर्मिनल है उतना तो यूज होगा, लेकिन डीबी में मैं एक ही बार यूज कर रहा हूं, एक ही बार टाइप कर रहा हूं यूडीटी के थ्रू। ये यूडीटी यानी कि कॉमन डेटा, ये पांच पैनल का मेरा कॉमन हर बार यूज होने वाला। टर्मिनोलॉजी तो इमरजेंसी ही है ना, मैनुअल ही है ना, साइकिल ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप ही है ना, यस या नो? सर यस। तो इसका कॉमन निकाल लिया भाई, कि हर पैनल में कॉमन क्या है। तो इनपुट का कॉमन ये है, आउटपुट का भी कॉमन हम लोग ऐसा बना सकते हैं, हाँ या ना? आउटपुट भी यहाँ पे मल्टी टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे जैसे अभी मैंने किया। ठीक है, तो अभी मैं आउटपुट का नहीं कर रहा हूं, एक इनपुट का पहले आराम से देखते हैं। ओके फाइन, तो इनपुट में मल्टी टाइम जो यूज हो रहा है उसका एक जगह यहाँ पे टाइप हमने किया, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डेटा टाइप, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अरे सर, इसको चार्जिंग में लगाओ। ठीक है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग इस कॉमन को, तो भाई ये कॉमन हमने निकाला है, लेकिन भाई एक्चुअल में तो मेरा पांच पैनल है ना, पांच बार हमारे फील्ड में है ना यहाँ पे, ये कितने बार है, पांच बार है, यस एंड नो? तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे, डीबी में जा रहे हैं अभी हम लोग। डीबी में जाकर के पैनल कितना है, पांच, कितना है भाई पैनल, पांच है हमारा, तो 01 में यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे जा करके जो हमने कॉमन जो निकाल दिया था, किसका, इनपुट लिस्ट का हमने कॉमन निकाला था, यस एंड नो? इसमें जो है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ भाई, एक नहीं मेरे पास कितना है, पांच है। तो पांच के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ध्यान देना है, ये इनपुट का पांच पैनल का एक कॉमन यहां निकाला और एक कॉमन को यहाँ पे पांच जगह यूज कर लिया। तो यहाँ पे टाइप करने का टाइम तो मेरा बच गया ना, यहाँ डीबी में भी मेरे को टाइप करने का टाइम तो मेरा बचा कि नहीं बचा? हाँ, पैनल नंबर से शो हो गया। और एक स्टाइल में हो गया ना, ये एक ही स्टाइल में हुआ ना, जी पैनल टू, पैनल थ्री, यस पैनल फोर। अब इसको टाइप कैसे करना है, लॉजिक पे जो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड जो मैं बता रहा था, अब उधर चलते हैं, आगे बढ़े हम लोग, यस ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड पे चलते हैं। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड पे क्या, एक एप्सी लेंगे जिसका नाम रखते हैं हम लोग इनपुट मैपिंग। क्या नाम रखेंगे हम लोग, इनपुट मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम क्या ले लिया भाई, इनपुट मैपिंग हमने नेम ले लिया। अब यहाँ पे इनपुट मैपिंग नेम लेने के बाद एक हमारा एक एनो कॉन्टेक्ट, एक क्वाइल है, राइट? अब क्वेश्चन याद है कि टाइप कैसे करें, टाइप करने के स्मार्ट मेथड क्या है, तो इस इनपुट फाइल को एक ओपन कर लेंगे, राइट? इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करके अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेंगे एक इनपुट को, राइट? अब जो दूसरा जो है, यहाँ पे मेरा डीबी भी है, तो डीबी को एक पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ही मैं इसका एट्रीब्यूट निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत? ताकि आप बोलोगे कि सर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट इसका एड्रेस चाहिए, ताकि अपने को समझ में भी आए कि आ क्या रहा है। तो इसको भी मैं इसको क्या करूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके, यहाँ से छोटा करके इसको भी एक साइड में रखता हूँ मैं। तो मेरे पास दोनों है ना, यस एंड नो? तो मेरे को ये पहले चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है,
ये आ गया, इसको ब्रैकेट में जो आ रहा है इसको रीनेम टैग कर लेते हैं यहाँ से, और ये ब्रैकेट से जो भी है इसको ऐसे वन हम लोग कर देते हैं, राइट, क्योंकि 7 आ गया था चेंज। तो ये मेरा चेंज हो गया। अब मेरा क्या है ये आउटपुट का, तो आउटपुट के इसके अंदर जा करके, यहां तो सीक्वेंस में दिख रहा है ना, और इसके अंदर से अगर मैं लेता हूँ, यहां से लिस्ट में से लेता हूँ, तो लिस्ट में से पहले क्या लूंगा, डेटा, भाई डेटा ब्लॉक वन, पाथ को ढूंढना पड़ता है, ध्यान देना है किसको, पाथ को, कौन सा पाथ, यहां देखिए यहाँ पे पाथ आपका क्लियरली लिख करके आ रहा है कि भाई डेटा कौन सा, मेरा डेटा ब्लॉक वन में, यस या नो। अब उसके अंदर पैनल वन, अब पैनल वन में खिचड़ी बन जाता है, अरे भाई इमरजेंसी स्विच मैं क्या याद करके रखूं कि मेरा पहले पोजीशन पे है टाइप करने के लिए, क्या इसके लिए हम लोग थोड़ी ना बैठे हुए हैं, हाँ या ना। तो मैं यहां से नहीं सेलेक्ट करने वाला, क्योंकि मेरा दिमाग पे लोड आएगा, मैं यहां से सीधे क्या करूंगा भाई, यहां से जो ये इमरजेंसी स्विच है इसको जाके ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ग्रीन होगा छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, हेलो, एक बार डेटा ब्लॉक को डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रैक करके हो जाता है क्या? नहीं सर, यस एक यस काम यस करो, डेटा डेटा ब्लॉक से फिर से बताओ सर, वो पैनल वन पैनल टू पैनल थ्री फाइव तक, वहां से फिर से एक बार बताओ सर रिपीट। कहां से कहां से, अभी डेटा ब्लॉक लिया है ना आपने, पैनल वन पैनल टू पैनल फाइव तक, हाँ, अब देखो आप वहां से वो ये कैसा जो है, ओ हाँ ये पैनल समझ वन है, ये इनपुट लिस्ट मैंने लिया, ये नाम दिया, ये देखो ये सेलेक्ट जो मैंने किया है इनपुट लिस्ट दिया, तो ये हाँ लिस्ट पूरा कनेक्ट हो गया, ओके। डेटा टाइप मैंने इनपुट लिस्ट दिया है, बुल बाइट नहीं दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया क्या आपने वहां से? हाँ वो आपकी मर्जी है, ड्रैग एंड टाइप भी ड्रॉप कर सकते हो, मैंने अभी नहीं किया, टाइप भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, टाइप करना ज्यादा बेटर वे यार है ना यहाँ पे, तो टाइप करना ज्यादा बेटर मेथड है, मतलब टाइप के लिस्ट में यहाँ भी दिखता है, लास्ट में जाओगे ना यहाँ पे तो ये दिखता है, इनपुट लिस्ट आउटपुट लिस्ट दिख रहा है ना यहाँ पे कोड के अंदर, तो ये आपका चॉइस है, ओके ओके यहाँ पे ओके या नॉट ओके, सर ओके ठीक है। अब यहाँ पे इसको टाइप कैसे करते हैं, मैं एक नया नेटवर्क ले लेता हूँ, फिर से फ्रेश डिलीट मार दो, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके बिल्कुल ब्लैंक है, एक इनपुट मैं लेने जा रहा हूँ और एक आउटपुट लेने जा रहा हूँ, मेरे पास एक नेटवर्क नहीं है, अलग अलग 5 नेटवर्क है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है, ऐसे मैंने फटाफट नेटवर्क मेरे को रेडी करना है, तो रेडी किया जाए स्पीड में, तो पहला एक टारगेट को हम लोग पकड़ लेंगे भाई, पहला टारगेट क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमें, ये इनपुट वाला, ये इनपुट का फाइल, यस एन ओ आई वाला एड्रेस, यस यस एन ओ, सर ठीक है, तब तक ये फिलहाल इसको मैं साइड में रखता हूँ, जो डीबी वाला है, ये पहला ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, ओके हाँ या ना, दूसरा वाला जो है तो मैं टाइप क्यों करूं, समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं टाइप क्यों करने जाऊं यहाँ पे, मेरे को टाइप नहीं करना है, नीचे यहाँ पे बस डाउन करूंगा कर्सर को, फिर नेक्स्ट वाला मेरे को आ जाएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो टाइपिंग अलाउड नहीं है, मैं टाइप नहीं करूं, क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा अभी आउटपुट मतलब डीबी का ये वाला एड्रेस अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए इसलिए नेटवर्क पे क्रॉस है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ आपके सामने जा करके, ये आउटपुट का मैंने उठाया जिधर डीबी का एड्रेस है, कोई दिक्कत, अब इधर मैं क्या करूंगा, इधर जा करके मैं पहले यहां पे आता हूं, करूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, परमिशन ग्रांटेड, सर ठीक है, चलो यहां पे मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, तो मेरे को टाइम लग रहा है क्या यहाँ पे काम करने में, और टाइम क्या मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, काम करना अलग बात है, इंजॉय करना अलग बात है, बराबर है ना चिन्मय, यस सर तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, जनरली हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब मैपिंग बैठ करके मजे टाइम में हम लोग करते हैं, इसके लिए कोई टेंशन आदमी नहीं लेता है, बिल्कुल आराम से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत आ रहा है इसमें, कुलदीप बताओ स्टेटमेंट चाहिए, क्लियर हुआ या नहीं नहीं, सर जी
तो मैं, मेरी आदत क्या है, पहले मैं मेहनत करवाता हूँ, चीन में से मैंने बहुत मेहनत करवाया, और बाद में मैं स्मार्ट मेथड देता हूँ, तब तो एक्सपीरियंस का मीनिंग हुआ, यस सर, यस सर, है कि नहीं, कि भाई पहले मैंने यस मेहनत सर, करवा लिया तब जा करके, नहीं तो शुरू में ही बता देता तो आपको तो यही लगता है यही मेथड होता है। सर ने मेरे को जी स्पेशल क्या जी सिखाया? जी ओके बराबर है, जिनमें कोई यस डाउट सर, कुछ? नो सर, नो सर, ठीक है, तो हर चीज में हमें टाइम कैसे बचाना है, कैसे स्मार्टली काम करना है, ये अपने को टारगेट रखना है। तो अभी इसमें जो है विश्वास जी सुन पा रहे? यस सर, सुन रहा हूँ सर, पर थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ मैं, बस में, इसलिए म्यूट रखा है सर। अच्छा, तो कल भी ट्रेवलिंग पे थे, आज भी ट्रेवलिंग में? यस सर, गाँव गया था, आज रिटर्न आ रहा ओके ओके, तो मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कल तो आएंगे ना यहाँ पे ट्रेनिंग में? हूँ। यस यस यस, आ रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है, तो ये चीजें हम लोग इस मेथड से, हम लोग इनपुट मैपिंग, आउटपुट मैपिंग, अलार्म मैपिंग, ठीक है, नेटवर्क मैपिंग, टावर मैपिंग, सब करना है, ये हमारा एपिसोड है। और मैं यहाँ पे अभी रुक क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेरे को नहीं करना है, प्रैक्टिस किसको करना है? मेरे कैंडिडेट को करना है, इसलिए जो मेरे को स्पीड जो चाहिए वो स्पीड मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। मैं गजानन, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, नहीं, अच्छा किसी से बात कर रहे होगे, क्योंकि आप पे स्पीकर ऑन दिख रहा था। मैं इधर फ्रेंड बात कर रहा है घर पे, अलग अच्छा, ओके 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 ओके, तो ठीक है, मैं आज ज्यादा टॉपिक एक्सटेंड नहीं करूंगा, मेरा यही कहना है कि कल तीनों सैटरडे आएंगे ना आप लोग, ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी आप कहाँ पे हो गजानन? सर। सर जरा हाँ, तुम लोग भी सर हो सर? उनका जरा प्लांट में शेड्यूल है सर, हाँ कल के वजह सर वह सर ट्यूसडे और हाँ वेडनेसडे प्लान कर रहे हैं, ओके ओके, क्योंकि वैक लाइन का पूरा सेटअप है, कल अच्छा और अच्छा परसों मंडे को लाइन चालू ओके, करने गया, वो पूरा ठीक दो है दिन में उधर ही है। मैं तो मैं और विश्वास सर सर ट्यूसडे को प्लान करते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे ठीक है ना, दो चलेगा दिन का। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे इवनिंग बैच नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ यस सर, हाँ, मतलब मेरा भी फैमिली लाइफ है ना, तो डेली तो आप लोग के साथ में रहता हूँ, नहीं नाइट में, सैटरडे सर, संडे नहीं। हाँ ट्यूसडे और वेडनेसडे आ जाएंगे, 9 बजे ओके सुबह ओके, 10 बजे आ जाएंगे रेगुलर टाइम तक, कुछ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं कुलदीप ना ये, सर, इस बार ओनली नहीं, संडे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप आ रहे हो क्या गजानन? सर कल नहीं हो पाएगा सर, और संडे को? संडे को आऊंगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो संडे को ऑफलाइन में मिलते हैं, ठीक है, और कुलदीप जी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप तो कर सकते हो ना, जी सर, ठीक है, तो इसको पूरा दमखम लगा देना है, और जी जितना फास्ट ड्रैगन ड्रॉप, नींद में भी ड्रैगन ड्रॉप आज सपने में, ड्रीम में क्या आना चाहिए, ड्रैगन ड्रॉप, जी इनपुट मैपिंग, और आउटपुट मैपिंग जी में क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बना करके, नहीं तो पता चला सब कुछ किया और गलती हो गया। आउटपुट मैपिंग में डीबी पहले आएगा, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट अंडरस्कोर मैपिंग, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप में स्टाइल चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होने वाला है, लेफ्ट साइड आएगा डीबी और राइट साइड क्या जाएगा, क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे डीबी में अभी हमने क्या किया है, केवल इनपुट को लिया है, डीबी को अगर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं तो अभी तक तो हमने केवल इनपुट को ही लिया है ना, पैनल का हमने आउटपुट नहीं लिया ना, यहाँ पे जी तो सब इनपुट इनपुट ही है ना यहाँ पे, तो अभी हमें यस क्या करना है, सर, एक एक पैनल का आउट वाला भी लेना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट रो, नहीं इंसर्ट रो में नहीं करूंगा, नीचे, ओ, एक सेकेंड, यस,
कंट्रोल जेड में मिनिमाइज कैसे हो रहा है? कंट्रोल जेड, ओके यस, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, इसको डिलीट ही करता हूँ क्योंकि मेरे को कहाँ नीचे चाहिए ना, मेरे को जी जी ऐड क्या करना है, रो करना है तो नीचे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, पैनल नाम तो उसी स्टाइल का होना चाहिए। सर, अभी ये जो डीबी बनाया डेटा ब्लॉक हाँ 1, ये इनपुट का, और वैसे दूसरा डेटा ब्लॉक ओनली आउटपुट का बना सकते हैं ना हम, यस यस यस, आपकी मर्जी है, आप जितना हाँ। उसको। तो स्टैंडर्ड, हाँ, एक स्टैंडर्ड ऐसा बनाओ सर, अभी डेटा ब्लॉक 1 है ना, उसका नाम है ना डेटा ब्लॉक 1 इनपुट, खाली ऐसा लिखो, और दूसरा ठीक ऐड है, करके चलेगा, डेटा ब्लॉक आउटपुट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझने में डेटा आसानी ब्लॉक जो होगी। है ना, मैं केवल यहाँ पे इन कर देता हूँ, इन, हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और जो दूसरा, अभी मैं दूसरा ले लेता हूँ डेटा ब्लॉक, इसको हम लोग क्या कर देंगे, आउट, आउट, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हाँ यहाँ पे जाकर के डीबी का नंबर मैं चेंज करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाकर के यहाँ पे जनरल, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रहना चाहिए ना। यहाँ पे हाँ मैन्युअली करेक्ट मैं करेक्ट जाके इसको टू किया, तो ये नंबर तो चेंज